यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो आज हम अपने अजीब किंगडम में एक फूड फार्म बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी पड़ चुकी है और अपने इस वर्ल्ड में, और इसको मैं बनाने वाला हूँ अपनी इसी पुरानी लोकेशन पे और इसको रिप्लेस करके। तो ठीक है, इसको बनाने के लिए काफ़ी मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल अच्छा है। और क्या बोलूँ, अपने चैनल की बढ़ाई कर रहा हूँ मैं तो। और हाँ, अगर आप ट्यूटोरियल देखने भी आए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है अगर आपने स्किप कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको ये मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फार्म बनाना। तो इस फार्म को बनाने के लिए ये कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी। भाई हट जा यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड करने दे भाई। तो ठीक है, इस ऑटोमेटिक फार्म को बनाने के लिए, बिना विलेजर के फार्म को बनाने के लिए मेरे को ये सारी मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी। और उसी के साथ साथ मेरे को दो विलेजर्स की नीड पड़ने वाली है, जो कि मैं पहले नीचे लेके गया था, बट वो शायद से भी मर गए होंगे। पहले एक बार नीचे जाके देखते हैं। तो ठीक है, अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, मेरे को इधर बनाना है। पहले माइनकार्ट से मैं तो विलेजर्स लेके आया था, बट वो इधर से मर चुके हैं, एक इधर था और एक इधर था। चलो कोई नहीं, अभी वॉल में कोई इसलिए लगानी है जिससे कि मतलब इसके अंदर विलेजर होंगे। अभी इधर से भी चार ब्लॉक देखते हैं, 1 2 3 4 इधर मार्क लगा दिया मैंने। अभी हमें क्या करना है गाइस, मतलब वीडियो नहीं डाल रहा ना, तो यही रीज़न था कि मतलब मेरे एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, तो अब से वीडियो रेगुलर होने वाली है। अभी अपन लोगों को लगाने इधर एक कंपोस्टर को लगाने से पहले इधर एक साहब। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अभी मेरे को ये तोड़ देना है ब्लॉक, अभी देखते हैं। ओके, अभी ये क्यों लगा दिया एक्स्ट्रा ब्लॉक। तो ठीक है, अभी हमें कुछ इस तरीके से बना देना है गाइस। अपने पास होए भी आ चुकी है, अभी इससे हम मतलब कि अपने खेत में खुदाई कर सकते हैं, मैं गलत मत समझना कुछ। तो ठीक है, ये कर लेता हूँ। ओके, तो हमारा ऑलमोस्ट फार्म मैंने माइन कर लिया है, कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अब ये बीच में सूखा सूखा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये अपने आप मतलब ठीक हो जाएगा पानी से। अब बारी आ चुकी है हमारे विलेजर्स को इधर से लेके जाने के लिए। एक गया हमारा विलेजर, दूसरा भी जाएगा, हम भी जल्दी जाएंगे, हम क्यों स्लो जाए। तो गाइस अपन लोग अभी पहुंच चुके हैं अपने ओ ओ ओ ओ ओ बैक मत जाइयो बस। ठीक है भाई, अभी इनको जल्दी से ना ट्रैप कर लेते। देख सकते हो भाई कैसे नाच रहे हैं ये खुशी में, इधर देखियो जरा, देख लेना ट्रेडिंग करनी है क्या तेरे को। हाँ, तो गाइस इन सबको अभी मैं अंदर ले आया हूँ, तो काफी मुश्किलों के साथ मैं इन सबको अंदर ले आया हूँ। कसम से इस बंदे ने स्पेशली बड़े ज़्यादा परेशान किया। पहले तो इसका बेड तोड़ू मैं, बाहर लगा देता हूँ भाई, गुस्सा ना हो जाए, कुछ पता नहीं, इसको भी बाहर लगा देते हैं भाई। तो ठीक है, हर एक का बेड लगा दिए बाहर मैंने, तो अभी इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कि पहले तो मैं इसको इसकी जॉब मैं परमानेंट कर लेता हूँ, जिससे कि अपनी जॉब हो ना दे कभी भी। तो ठीक है भाई, एक डायमंड लेके कर लिया मैंने। ठीक है भाई, तेरी जॉब परमानेंट हो गई है, खुशी मना ले। ओके भैया, ये ट्रेड वैसे अच्छी दे रहा है यार, मजाक नहीं। 6 ब्रेड है उसके बाद, 1 एमरल के बदले 6 ब्रेड, काफ़ी अच्छी ट्रेड है। ठीक, ये कंपोस्टर काम नहीं आया इसका, यही है जॉब वाला। चलो कोई नहीं, ये दे रहने देंगे है? तो देखो अभी मेरा फार्मर ना इधर कुछ ऐसा कर रहा है कि इधर कैरेट प्लांट करना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, कैसे इसकी इन्वेंट्री मतलब हो जाएगी पूरी, इधर का काम हो जाएगा, तो ये उसको देना स्टार्ट कर देगा। रेलवे ट्रैक से पहले ना इधर बीच में एक टिक होगा, ओके कुछ इस टाइप से, ओके और इधर एक चेस्ट आएगी, डबल चेस्ट, और इसके ऊपर होगा हॉपर कुछ इस टाइप से, और हॉपर के ऊपर होगा एक रेल, रेल का ब्लॉक कुछ इस टाइप से। रेल के ब्लॉक के ऊपर होगा हमारा, अभी रेल के ऊपर होगा एक माइनक्राफ्ट विद हॉपर इस टाइप से, जिससे कि अभी क्या होगा ना कि मतलब कुछ भी आएगा अगर, जैसे कैरेट पोटैटो वीट कुछ भी अगर होगा तो वो अपने आप अंदर चले जाएगा। भी ट्रैप डोर लेना और इसके ऊपर लगा देना कुछ ऐसे करके, रुक जाओ यार। ओके, तो ठीक है, हमारा ट्रैप डोर लग चुका है, और इसकी भी जॉब मैं पहले मतलब फिक्स कर देता हूँ, जरा सा दियो जरा। ठीक है, अभी इसे ट्रेड करते हैं, एक ट्रेड करते हैं इससे, अब इसकी जॉब भी फिक्स हो चुकी है मेरे हिसाब से। हाँ, अभी जॉब वगैरह झमेला नहीं रहने वाला कि चेंज करेगा नहीं करेगा। ओके, अच्छा, इसलिए प्लांटेशन नहीं कर रहा था।
तो ठीक है, ये भी हो चुके हैं। तुम्हारी ऑलमोस्ट जगह हो चुकी है, अब इसे माइन करना है। ये जगह में चेस्ट रखी है ना बस, चलो ठीक है। अभी हमारा विलेजर इधर प्लांटेशन कर रहा है, देखो भाई इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने आप लगा रहा है, लिटरली अपने आप ये क्रॉप्स लगा रहा है और जाकर उसको दे देगा। अबे यार ये एक गाजर घास आ गई, पहले मैं इनको थोड़ी सी क्रॉप्स, ये गाजर भाई यार ठीक है, इसको 21 सपोर्ट दे देता हूँ मैं जिससे कि और प्लांट कर पाए। तो अभी मुझे अपने फार्म को कवर करना है पूरा का पूरा ग्लासेस से चारों साइड से, क्योंकि मेरे को विलेजर्स को प्रोटेक्ट करना है ज़ॉम्बीज से और ड्रोन से, जिसके लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा ग्लासेस लाने के लिए। तो मैं मेरे पास सैंड भी पड़ी हुई है शायद से, ओके ग्लास इधर भी है, चलो कोई नहीं। हाँ इतना फ्लैम वगैरह बनाने क्योंकि मतलब डेकोरेशन करनी है यार, मतलब बहुत देर हो गया यार कुछ किया नहीं है, चलो कोई नहीं, लैम्प वगैरह तो मिले नहीं, इसी से काम चलाते हैं। ग्लासेस लगाने हैं जैसे तो दिख रहा आपको कुछ इस टाइप से निकलने ग्लासेस, बिल्कुल भी मेरे विलेजर्स को प्रोटेक्शन मिल जाए ज़ॉम्बीज से और ड्रोन से। तो अभी चेक करता हूँ कि मेरा फार्म वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार वापस आके देखना पड़ेगा। देख लीजिए तो ओके गाइस, देख सकते हो ये लिटरली अब ये हमारा फार्म वर्क कर रहा है, उसने शायद से अभी देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारी आंखों के सामने कैरेट्स आ रहे हैं, वो डोनेट कर रहा है कैरेट, उनको एक बार देखना है वो डोनेट कर रहा है। ओके तो दे रहा था कैरेट, ओके ये अभी भी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कैरेट? अच्छा ये हमारे उसमें होंगे ना, उसमें मतलब छोड़ देंगे हॉपर में ऐसे। अच्छा इतने ही दिए अभी, ओके गाइस तो हमारे पास इतने कैरेट आ चुके हैं। तो गाइस ये फार्म वर्क करता है, इसका मतलब ये लिटरली वर्क कर रहा है भाई साहब। तो अभी मैं इधर से ना इधर रेलवे ट्रैक हटा देता हूँ, नहीं नहीं तो ये रेलवे ट्रैक मैं बस इतना ही हटाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको ना और बड़ा मेगा फार्म बनाया जाए। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कि इसको मैं मेगा फार्म बनाऊँ तो आपको इस वीडियो पर कमेंट करना है, कोई 10 कमेंट आ जाएंगे तो मैं इस फार्म को मेगा फार्म बना दूंगा, मतलब बीस्ट लेवल फार्म, अल्टीमेट फार्म। तो इस फार्म का अल्टीमेट वर्जन आए तो इस वीडियो पे 10 कमेंट होने चाहिए और मैं उसी 5 कमेंट को पिक करूंगा और उनको नेक्स्ट वीडियो पे शाउट आउट दूंगा।